चेतन सभी अरितम पुरुष चेतन धर्म सुचिन्न सुतमावहति सच्चं हरे साधु तरंग सारं प्रज्ञा जीविं जीवितमाहु चेतन्ति कथं सुतरति योगं कथं सुतरति अन्नवं कथं सुदुःखं गच्छति कथं सुपरिशुज्यति सद्धारतरति योगं अप्पमादेन अन्नवं वीर्येण दुःखं गच्छति पञ्ञाय परिशुज्यति कथं सुलभते पञ्ञं कथं सुविन्दते धनं कथं सुकीर्तिं प्राप्नोति कथं मित्राणि वर्धति अस्मादुका परं लोकं कथं ते च न शोचति सद्दहानो अर्हतं धम्मं निपानभक्त्य शुश्रूषा लभते पञ्ञं अप्रमत्तो विचक्षणो पतिरूपकारी धुरा बुद्धातारिन्दते धनं सच्चेन कीर्तिं प्राप्नोति धनं मित्राणि वर्धति यस्ते च पुरोधम सच्च धर्मेशिन सच्चं धर्म विचिन्तागो सबते च न शोचति इंगा अन्येऽपि पुच्छसो पुतो समण ब्राह्मणे यदि सच्चागमाचागा खन्त्याभियन विञ्चति कथानुदानि पुच्छेयं पुतो समण ब्राह्मणे सोऽहं अर्च प्रदानामि योऽत्तो सम्परायितो अर्थाय रतमे बुद्धो भाषायानभिमानामि सोऽहं अर्च प्रदानामि यत्तदिन्नं महाफलं सोऽहं विचरिष्यामि गामागामं पुरापुरं नमश्च मानसं बोधम् धर्मश्च च सुधर्म कान्ति एतेन सच्च वज्रेण सोऽपि संपत्ति अत निर्वाण संपत्ति
इमिनाते समीजतो। जल्दी लेकर आइए सब्जी, लौकर आना भाजी, ठीक है ना सब्जी? नहीं पर ना भीख लग ली है ना। अरे नहीं अंकल जी, कहा एक एक सांस के पहरेदारी होती रहे, खूब सजग, खूब सजे, खूब सावधान, सावधान, सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। की तरफ से ढेर सारे मुलाकात आए हैं। तो पिछले दिन तक हम लोग ने वाचन किए थे कि भगवान बुद्ध ने कैसे अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि भिक्षु किसको कहते हैं। मंगलमुत्तमम्, माता पिता का सेवा करना, परिवार में स्त्री पुत्र के परिवार का भरण पोषण करना और घर में आए हुए अतिथियों का सत्कार करना, ये मंगल में उत्तम मंगल है। ग्रहण करने के बाद सुख पूर्वक भक्तानुमोदन करो, गृहस्थों के साथ बैठो, धर्मों को देश दो, धर्म कथा सुनाओ। इसके बाद बुद्ध के आदेश अनुसार भोजन दान के बाद भक्तानुमोदन की परंपरा प्रारंभ हो गई। भक्तानुमोदन सुनकर गृहस्थ जाति अति प्रसन्न होने लगी और अधिक उत्साह पूर्वक अधिक से अधिक भिक्षुओं को निमंत्रित करने लगे और आदर सत्कार भी वृद्धि हो गई। उन भिक्षुओं का पहले की तुलना में अधिक आदर सत्कार होने लगा। इससे तीर्थिक जन नाराज हो गए और उन्होंने इसके प्रत्युत्तर में मौन रहने का निर्णय लिया। अर्थात अब जब कभी भी ये भिक्षु भक्तानुमोदन करेंगे उस समय हम लोग मौन बैठा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम मुनि हैं, अतः हम मौन रहा करेंगे। बुद्ध के शिष्य तो सिर्फ लंबे लंबे उपदेश दिया करते हैं। जब बुद्ध ने यह टिप्पणी सुनी तो कहा, भिक्षुओं में चुप रहने मात्र से किसी व्यक्ति को मुनि नहीं मानता, क्योंकि लोग विभिन्न कारणों से मौन रह सकते हैं। कुछ लोगों को मौन इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि वे अज्ञानी हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है, अतः वे कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होते। अन्य ऐसे हैं जिसमें आत्मविश्वास की कभी कमी है, अतः वे बोल नहीं सकते और इन कारण चुप रहना श्रेष्ठ समझते हैं। तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं
जो किसी विषय वस्तु को जानने के बावजूद उसे दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते, क्योंकि पहले ही पुत्र आपको बना देता है और वो निचलियों के ऊपर आक्रमण करना चाहता है, तो उसका विजय होगा कि पराजय होगा आप बताइए। तो उसी समय में भगवान बुद्ध बैठे थे, तो पास में आनंद थे, आनंद क्या कर रहे थे, भगवान बुद्ध को पंखा चल रहे थे। तो भगवान बुद्ध ने क्या करते हैं, आनंद को संबोधित करके बोले हैं कि आनंद में पहले निचलियों को वैशाली के निचलियों को सात अपरिहार्य धर्म के बारे में बताया था। ये सात अपरिहार्य धर्म को वो लोग पालन करते ही नहीं करते हैं, तभी एक एक करके समझा रहे हैं। आप लोग भी जितने लोग हैं बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। आप लोग जितने लोग बैठे हैं तो कितने लोग दो तीन भाई हैं हाथ उठाइए, मान किसका और दूसरा तीसरा भाई है या फिर वो अकेले लड़का है, अकेले को छोड़ के दो दो तीन भाई है वो लोग हाथ उठाइए। चलिए ठीक है, सब लोग बड़े ध्यान से सुने भगवान बुद्ध क्या कह रहे। पहले भी अपने धर्म में बता रहे हैं कि सन्निपात बहुल लेना, बोल रहे आनंद में वैशालियों के ऋषियों को बताया था कि सन्निपात बहुल लेना, वो लोग सन्निपात बहुल रहते हैं ना, हाँ बनते मैं सुना हूँ वो लोग सन्निपात बहुल रहते हैं। सन्निपात बहुल का अर्थ होता है सब लोग इकट्ठा होते रहना, यानी जिसको कहते जॉइंट फैमिली। तो जितने लोग हाथ उठाए थे दो तीन भाई है, तो आप सब लोग जॉइंट फैमिली की तरह रहते हैं नहीं रहते होंगे, तो आप लोग भगवान बुद्ध के धर्म को क्या मानते हैं, भगवान बुद्ध के कौन सा धर्म को मानते हैं बताइए। भगवान बुद्ध पहले बता रहे हैं कि घर परिवार के सब लोग इकट्ठा रहना चाहिए, यानी जॉइंट फैमिली की तरह रहना चाहिए। सारे साहब अध्यक्ष हैं,
इसे निवेदन है कि जो दान की पर्ची है अरुणा ताई को प्रदान करेंगे। अरुणा ताई आप यहाँ जाएं, इधर देखिए, इधर देखिए, इसका जन्मदिन है तो जन्मदिन के उपलक्ष में आयुष्मान राहुल बागरे, आयुष्मान जी शोभा सारे और आयुष्मान डीके गजवी, आयुष्मती राजश्री मेंढे, आयुष्मान प्रभाकर तागड़े, आयुष्मती संगमित्रा बागड़े, इनकी ओर से चौगला आने वाला रविवार है, उनके तरफ से भोजन दान रहेगा। अभी कुछ रविवार बाकी है, उसमें भी आप लोग पुण्य अर्जित कर सकते हैं, भोजन दान देके। यदि किसी रविवार को किसी को यदि मानो उसका जो लेकर जिसको भी कुछ डाउट है तो उसमें डायरी में आप अपना देख सकते हैं तो कितना दान मिला है और कितना खर्चा हुआ है। कभी माइनस होता है, कभी प्लस होता है, कभी पैसा बच जाता है। जो बचा हुआ जो पैसा है जो महाभोजन दान होगा यानी वर्षावास समापन के लिए उसमें वो पैसा डालते हैं। हमें ये हिसाब रखा है कि आप लोगों ने जो भोजन दान है जिस प्रकार से आप लोगों को भोजन दान देके आप पुण्य अर्जित करते हैं वैसे ही हम लोग आपकी सेवा करते हैं। भोजन के लिए आपने पैसे दिया, दान दिया, हम उस पैसे का मार्केट गए, सामान खरीदा, आप लोगों को वहां भी इतने सारे मेहनत करके बर्तन बर्तन मांगना ये करके सारी व्यवस्था करवा के हम ये पुण्य का भागीदार बनते हैं। किसी के मन में कोई शंका विशंका ना हो आपको बिल्कुल डायरी है, आपका पैसा त्रिशत उद्यान आपने दिया यानी वो सुरक्षित पैसा आपका है, ये हम दावे के साथ आपको कह सकते हैं। हमको ये पुण्य मिलेगा तो ये डायरी में दिए आप लोग देख सकते हैं। आज के रविवार में ताइवान से आए हुआ साहित्य समिति के माध्यम से त्रिशरण उद्यान के माध्यम से यहाँ उपस्थित उपासक और उपासिका है उनको वितरित किया जा रहा है ताकि बुद्ध साहित्य भोपाल में घर घर में उसका वितरण हो और वो पढ़ने में आए। इस उद्देश्य से आज इस रविवार को समिति के माध्यम से ताइवान का जो साहित्य है वो वितरित किया जा रहा है। सील का पालन करते हुए जैसे हमने अभी आपको अवगत कराया यदि एक घर से दो तीन मेंबर है तो उसमें से किसी एक ही मेंबर को वो साहित्य देना है। और प्रति रविवार को यहाँ पर जिस तरह से आप लोगों को सब आती है लेकिन अन्य लोगों को भी आप प्रेरित करें इस विहार में लाने के संडे के दिन क्योंकि उस द्वारा जो प्रवचन होता है तारीख को जो साक्षी और सतारा का भ्रमण है जिन उपासना है तो अपना नाम वो काउंटर पे जो कटान साहब बैठे हैं उनके पास नोट करें, आने जाने का खर्च बाकी आपको अपने घर से भोजन की व्यवस्था आप सभी लोग भोजन करें। तो मेरा निवेदन है कि दान पालिता के साथ में अपना दान यदि देना है
आटा जो है हो सके तो पैकेट में लाएंगे तो अच्छा, खुला आके आटा नहीं देंगे क्योंकि पिछले बार सीखा। तो निवेदन है हमारा कि आप लोग इधर चावल शरबत ही वो भी पैक में हो, 5 किलो 10 किलो का पैकेट हो, शक्कर तेल ये निःशुल्क है, आपके आपके लिए निःशुल्क है, आप लोगों से इसका शुल्क नहीं लिया जाएगा, ना देना है। आप लोग जो इस बिहार में है कि हम अपने उपासक बंधु उपासक उपासिकों को कुशल दिन प्रदान करें, जबकि समिति को इसका खर्च लगा, बाहर से जो साहित्य आया उसका यात्रा में जो भी भाड़ा लगता है वो समिति ने वहन किया, इस वर्षावास के पावन अवसर पे समिति के द्वारा ये साहित्य वितरण और लेस में जो भगवान कृष्ण की फोटो है छोटी सी दरवाजे में हाल में या गाड़ी में भी उसको बहुत ही सुंदर लगा सकते हैं। क्योंकि ये भी एक रिकॉर्ड ताइवान को भेजना पड़ता है कि यहाँ ये साहित्य विकसित हुआ करते Thank you.
ये अलग अलग चैनल वाले।